तस्वीरों से किसान नेता क्या चाहते हैं ये पूछते हैं बलदेव सिरसा जी से, सबसे फ्रंट पर तमाम नेताओं के साथ लीड कर रहे हैं। बलदेव जी, क्या संशोधन या रद्द करने की मांग? संशोधन कोई नहीं है, रद्द, तीनों कानून रद्द, बिजली सौद बिल रद्द और MSP जड़िया पूर्ण तौर पे पूरे देश पे लागू की जाए और इस पर कानूनी तौर पे लागू की जाए, खरीदी जाए और पराली बिल रद्द किया जाए, इससे कम कुछ नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने MSP पर सोचा है, APMC पर सोचा है, अगर उनमें संशोधन आता है लिखित तौर पे MSP देते तो आप मान जाएंगे? पहले तो वो संशोधन पर भी तैयार नहीं थे, अब आया ना जब उनको एक एक बिंदु पर उनकी जो बोलती बंद करी है, अब वो इस पर आए ना, पहले नहीं थे। इसी तरह हम अपने फैसले पर अटल रहे। आज बातचीत कर रहे हैं तो क्या सरकार भी मान रही है कि आप लोग का आंदोलन पॉलिटिकल नहीं, जायज है? आपका आंदोलन जायज है, क्या सरकार मान रही है आज बातचीत कर रही है तीसरे दौर? बेटा जी देखिए, अब तो इसमें शंका नहीं है कोई, देश के कोने कोने से बच्चा बच्चा और जैसे के किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़ती और सभी लोग, ट्रांसपोर्टर और जो वकील है लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के, वो नामवर वकील जैसे दवे जी हैं और बार काउंसिल के वो चेयरमैन है, उन्होंने भी कल प्रेस मीटिंग करके कहने दिया, इसलिए अब तो कुछ शंका नहीं रही। सवाल, प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई है, मीटिंग पे मीटिंग आज सुबह हुई तमाम मंत्रियों की, क्या लग रहा है? आगे आगे देखो क्या, तो हम अपने फैसले पर अटल है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं किसानों को भी लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, लगातार कई दिनों से ये बस सुर्खियों में है, तमाम कैमरे इस बस को कैप्चर कर रहे हैं और ये वो बस है जो तमाम किसान नेताओं को लेकर आती है विज्ञान भवन। और किसान नेता जो भीतर जाएंगे, मंत्रियों से बात करेंगे, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आज भी लगातार तीन दिन से आप दो दिन से ना चाय पी रहे हैं ना नाश्ता कर रहे हैं, सरकार का आज भी वही रणनीति रही? देखो मैं बूटा सिंह शादीपुर, प्रधान भारतीय किसान मंच एकता। देखो साडा फैसला है उन्ना चिर सरकार दा बिल्कुल अन्न पानी जेड़ा असीं नहीं छकांगे, बेशक साडे टैक्सां तो तैयार होया पर लेकिन अज सरकार तैयार करके दे रही, असीं नहीं छकांगे, ये साडा फैसला है, अटल फैसला है। उस दिन छक लांगे जिदन काले कानून रद्द कर देणगे, इन्हां दे नाल बह के छक लावांगे, दावत खाएंगे सरकार की तरफ से। अगर कानून रद्द कर देते तो सरकार आपकी मेहमान नवाजी करेगी, तब स्वीकार है कि बैठ सकते हैं? रद्द कर दे फिर बैठेंगे खाएंगे, तो अनु भी बेच बैठाएंगे, तो अनु भी खुआएंगे। अच्छा, कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा या तीसरी बैठक फाइनल राउंड मानी जाती थी, मानी जाती है, तारीख पर तारीख आपको मिल रही है, क्या आप कहते हैं कि फिर मिलेंगे तो आप तैयार रहेंगे और बात करने के लिए? ऐसा है कि हमारा तो मैंने पहले भी सबको बता दिया है, हमारा जो फैसला है ये पंजाब, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारा जो फैसला है ये पंजाब के ऊपर है, क्योंकि पंजाब ने ही ये मुद्दा उठाया है, बहादुर लड़कों ने, तो हम इनके साथ हैं, जो ये निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। आजकल सारे मतलब पंजाब फ्रंट लीड पर है, पर क्या माने कि सब लोग एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है, जितनिया जथेबंदियां सारे देश दियां सारियां एकमुठ ने, ऐसे एकमुठ ने, इन्हां च कोई किसी किस्म की कोई गल नहीं, सारे एकजुट ने, एकजुटता दे नाल फैसला लड़ रहे ने। ठीक है अंदोलन पंजाब चो उठिया, पंजाब चो उठ के दिल्ली दी कंधा दे नाल टकराया आ के ते सारा देश इहदे च शामिल हो गया। मोदी साहब नूं असीं तुहाडे चैनल राहीं फिर कहना चाहुंदे आ, मोदी साहब लोकां दी नब्ज पछाणो, लोकां दी नब्ज पछाण के फैसला करो, लोकां दी नब्ज पछाणो और किसान चाहुंदे हन सरबत दा भला, सरब नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ये देखिए किसान चाहते हैं सरबत दा भला और यही कह रहे हैं तमाम किसान नेता।